नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रहा हूं वीडियो ब्लू स्टार के स्प्लिट एसी के ऊपर, जो कि है 2 टन का 3 स्टार रेटिंग फिक्स स्पीड। एक्चुअली आज के डेट में भी अगर कंपेयर करी जाए तो फिक्स स्पीड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसीज। तो जितना इन्वर्टर एसीज की डिमांड रहती है उतना ही फिक्स स्पीड एसीज की भी डिमांड है। बिकॉज इंडिया के अंदर स्पेशली दिल्ली एनसीआर एरिया में अगर आप कंपेयर करते हो या नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से कुछ जगहों के लिए फिक्स स्पीड एसी ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 टन का फिक्स स्पीड एसी है ये ब्लू स्टार का। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आपको इस मशीन के बारे में A to Z सारी चीज़ें पता लगने वाली है आज की वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की आगे भी आपको वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो 2 टन 3 स्टार रेटिंग मॉडल आता है ब्लू स्टार का, ये है FA324 DNU मॉडल नंबर है इसका। और इस मॉडल नंबर की जो MRP है वो 64,000 रुपीज़ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 50,000 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगा। थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है जगह। एक्चुअली हर डीलर की कॉस्टिंग सेम नहीं होती, इसलिए जगह पे वेरी कर सकता है कि कहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग है, बट 50,000 रुपीज़ इज अप्रॉक्स प्राइस, इसके आसपास आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं ब्लू स्टार के इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। एक्चुअली ये जो मॉडल है ये पर्टिकुलरली 1 जुलाई 2022 में जो स्टार रेटिंग अपग्रेड हुई है ये उसके बाद आया है ये मॉडल। इससे पहले जो मॉडल आता था उसका ISER जो होता था 3.60 होता था, और जो इस मशीन का ISER है वो 3.87 है। तो ISER पहले से ज्यादा है। जो पहले की जो 3 स्टार रेटिंग मशीन आती थी वो आज के डेट में अगर हम कंपेयर करें तो वो 2 स्टार रेटिंग मशीन हो गई है। और जो ये मॉडल मैंने जिसकी वीडियो बनाई है, ये आज के डेट के हिसाब से अगले December 2024 तक ये एज इट इज 3 स्टार रहने वाला है। तो मतलब ये करंट मॉडल है जो कि 3 स्टार रेटिंग सीरीज के अंदर है, फिक्स स्पीड एसी है ब्लू स्टार कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है FA324 DNU। कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सारे वैसे ही फीचर आते हैं जो इनके पहले फिक्स स्पीड एसीज में आते थे, क्योंकि फिक्स स्पीड के अंदर कोई बदलाव नहीं है। जो पहले फीचर आते थे सेम वही फीचर आते हैं। टर्बो कूल का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको हिडन LED डिस्प्ले मिलता है, 100% कॉपर की मशीन मिलती है, आपको बड़े आउटडोर में मशीन मिलती है जिसका आउटडोर साइज 51 kg के अराउंड है। तो मशीन में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो मशीनें पहले आती थी वो एक्जैक्टली सेम आज के डेट में भी 2 टन की मशीन आती है। एक्चुअली ब्लू स्टार जानी जाती है अपनी 2 टन की हैवी मशीन के लिए। पहले इनका 1.5 टन की भी इतनी हैवी मशीन आती थी, जो कि अब इन्होंने आउटडोर छोटा कर दिया है। बट 2 टन के अंदर जो मशीन पहले आती थी, अब आज के डेट में भी एज इट इज मशीन आ रही है, बड़े आउटडोर के अंदर है, कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, 6,250 कूलिंग कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी इसका कम है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करते हो तो आज के डेट में जो करंट स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग का कंपेयर मैं करके बताऊं तो 1250 यूनिट ले रहा है ये 1600 घंटे के अंदर। मतलब एक साल में 1250 यूनिट का कंजप्शन है, जो कि अगर हम कंपेयर करें स्टार रेटिंग अपग्रेड होने से पहले जो स्टार रेटिंग आती थी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो आता था वो 1363 यूनिट आता था, सेम 2 टन 3 स्टार की मशीन का, ब्लू स्टार का ही। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ब्लू स्टार के, और ब्लू स्टार से ही कंपेयर कर रहा हूँ जो पहले मशीन आती थी और जो अभी मशीन आती है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखा जाए तो 100-150 यूनिट का फर्क आया है, 100-125 यूनिट के आसपास का फर्क आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। प्राइस जो पहले था उसमें मान के चलिए आप हार्डली 2,000-3,000 रुपये का डिफरेंस आया, बिकॉज स्टार रेटिंग अपग्रेड होती है। तो जो मशीन आज के डेट में 5 स्टार रेटिंग है वो 4 स्टार हो जाता है, जो 3 स्टार है वो 2 स्टार रेटिंग हो जाता है। तो इस वजह से ये फर्क रहता है, इसलिए प्राइसिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी इसमें मशीन में सारी चीजें सेम मिलती है, 100% कॉपर मशीन है, टर्बो मोड है, आपका एलिगेंट रिमोट आता है इसके अंदर, सेल्फ डायग्नोसिस ऑप्शन आता है, ये सारी चीजें कॉमन है। ये सारी चीज जितने भी इनके फिक्स स्पीड एसीज आते हैं सब में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, कुछ इसमें अलग नहीं है। सिंपल मॉडल है, सिंपल लुक है, बिल्कुल प्लेन हिडन LED डिस्प्ले के साथ आता है। बाकी इसमें अगर आप लेना चाहो तो आप एडिशनल वारंटी ले सकते हो। जो नॉर्मल वारंटी आती है वो 1 साल की कंप्लीट आती है और 5 साल की कंप्रेसर की आती है। आप चाहो तो वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप हर साल 1800 रुपये प्लस GST कंपनी को पे करते हो तो उसमें कंपनी आपको हर साल 2 फ्री सर्विसेज देगी, प्लस कंप्लीट मशीन की वारंटी देगी। उसमें चाहे आपका पार्ट खराब हो जाए, गैस निकल जाए, विजिट करना है, कुछ मर्जी है XYZ, वो सब कुछ कंपनी का। बट ये सिर्फ रेसिडेंस पर्पस के लिए है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए जाएंगे तो आपको 3,000 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ेगा प्लस GST, 3,000 प्लस GST पर ईयर पे करना पड़ेगा। उसमें आपको 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं और 1,800 प्लस GST में आपको 2 फ्री सर्विस मिलती है। कमर्शियल और रेसिडेंस 1,800 प्लस GST, कमर्शियल 3,000 रुपये प्लस GST, तो ये आपको पे करना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहो, अगर आपके घर के आसपास ड्रेनेज है जहाँ पे AC की लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, तो वहाँ के लिए आप 5 ईयर कंप्लीट वारंटी भी ले सकते हो इसमें।
तो यही था आज की वीडियो में। बहुत ज़्यादा तो मशीन के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको अलग से कुछ फीचर्स बताऊं, बाकी मशीन के अंदर जो भी चीज़ें थी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये है इसका आउटडोर यूनिट ब्लू स्टार का, जो कि काफ़ी बल्कि यूनिट है अगर आप कंपेयर करते हो बाकी इंडियन ब्रांड के मॉडल से। और यहाँ कुछ डायमेंशन लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं है। आइए देखते हैं इस पर क्या क्या है। मॉडल नंबर BO, BO मतलब आउटडोर का हो गया, BI मतलब इंडोर यूनिट होता है। FA 324 DNU में उसका मॉडल नंबर है, आगे सीरियल नंबर है और कुछ बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। बॉक्स साइज़, ग्रॉस वेट, इसका है 51.5 kg, मतलब 52 kg का अच्छा बल्कि यूनिट है 2 टन के अंदर। MRP है इसकी 64,000 रुपीज़, जो कि इंडोर और आउटडोर इंक्लूडेड है। तो ओपन करके देखते हैं अभी अंदर क्या है। वैसे तो अंदर जैसे बाकी यूनिट्स होते हैं सेम वही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। ये इसमें ये 3 मीटर की कनेक्टिंग केबल मिलती है आपको, कॉपर पाइप की किट होती है जिसमें वायर होता है, कॉपर पाइप होता है और इंस्टॉलेशन फॉर्म होती है जो कि इसके ऊपर चढ़ी होती है ऑलरेडी। ये है 5/8 क्वार्टर की होती है, 3 मीटर होती है जैसे कि लिखा हुई है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। तो ये इंडियन ब्रांड में लगभग हर कंपनी होती है, कुछ एक कंपनी को छोड़ के जितने भी AC आते हैं इंडिया में सारे प्रोवाइड करते हैं। ये इसका बैक साइड से लुक है, यहाँ पे आगे कोई भी प्रोटेक्टिव जाली नहीं है, ये सिंपल प्लेन यूनिट है जो कि आजकल लगभग सारी कंपनी में ऐसे ही आता है। कुछ कंपनी रबड़ की जालियाँ देती है वो, हालांकि उससे प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं होता बट स्टिल। और यहाँ पे मशीन के डायमेंशन होती है, एक्चुअली जब टेक्नीशियन इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो बॉक्स वगैरह संभालना इतना ईजी होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं ताकि बाद में भी देख सकें। R32 इको फ्रेंडली गैस यूज़ होती है, गैस जो इसमें डलती है 1.2 kg डलती है। 46.5 kg का इसका आउटडोर यूनिट का वेट है जो कि पैकिंग के बाहर है। और बाकी सिंगल फेस मशीन है, 7.39 करंट एम्पेयर है, ISER 3.87 है। और इनपुट पावर देखा जाए तो 1615 वाटेज है जो कि काफ़ी कम है 2 टन की मशीन के हिसाब से। बाकी इसका बाकी सीरियल नंबर कस्टमर के नंबर 1800209117 इसका है। 5/8 क्वार्टर का वॉल वॉल साइज में यूज़ होता है, ये 5/8 है, ये क्वार्टर है। और इसकी जो लुक है आउटडोर की वो इस तरीके से आती है, जो कि पहले भी इसी तरीके से लुक आती थी, कोई चेंजेस नहीं है। काफ़ी अच्छा बल्कि डिज़ाइन है, पहले भी ये डिज़ाइन आता था। तो यही था बस अपने आउटडोर के अंदर। और ये करंट ईयर का है 2022, फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड जो सीरीज़ चेंज हुई है ये नई सीरीज़ का मॉडल है। तो आई होप, तो चलते हैं अभी इंडोर की तरफ, देखते हैं वहाँ इंडोर में क्या क्या मिलता है हमें। फ्रेंड्स ये है ब्लू स्टार का 2 टन 3 स्टार रेटिंग नॉन इन्वर्टर का इंडोर यूनिट, जो कि काफ़ी बड़ा है। डायमेंशन मैं आगे नापूंगा, अभी पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं बाहर क्या क्या लिखा होता है। मॉडल नंबर है FA 324 DNU, FA 324 DNU। एंड कस्टमर का टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, बॉक्स साइज़ लिखा हुआ है, ग्रॉस वेट 18 kg का इसका इंडोर यूनिट का डायमंड वेट है जिस जो कि पैकिंग के साथ है। तो देखते हैं और क्या क्या मेंशन है, इधर भी मॉडल नंबर है और तो कुछ नहीं है। चलिए यूनिट को ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं। ये इसका इंडोर का लुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हाइट से देखोगे, जब आप 7 या 8 फुट की हाइट पे अपने रूम में वॉल पे लगाएंगे ऐसी, तो कुछ इस तरीके से लुक निकल के आने वाली है इसकी। तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, सिंपल प्लेन यूनिट है। अगर इसके टेम्परेचर डिस्प्ले की बात करें, वो हिडन डिस्प्ले आता है, यहाँ पे आता है, जब आप ऑन करोगे तब आएगा। मॉडल नंबर के एटल 324 DNU है। इसमें ये इसका रिमोट हैंडसेट आता है जो कि बाकी ब्लू स्टार के जैसे ये सेम, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये इसमें फ्लेयर नट होता है जो कि कनेक्शन के लिए होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इधर डिटेल रखी हुई है। बाकी जैसा कि स्टार रेटिंग के स्टिकर पे आप देख सकते हो, जो ये 3 स्टार रेटिंग का स्टिकर है ये वैलिड है 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक। तो ये है नया चेंज जो कि अब नई मशीनों में आना स्टार्ट हो गया है। बात करें मॉडल नंबर की, FA 324 DNU इसका मॉडल नंबर है, ब्लू स्टार का स्प्लिट AC है ये।
6250 इसका कूलिंग कैपेसिटी है, और कूलिंग कैपेसिटी 50% पे नहीं जाता बिकॉज ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स स्पीड कंप्रेसर है इसलिए इसका कूलिंग कैपेसिटी फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है 1250 यूनिट पर ईयर, इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम है। अगर आप पुराने थ्री स्टार से कंपेयर करोगे तो फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम आता है। सिंगल स्पीड सिंगल स्टेज कंप्रेसर है बिकॉज ये अवेलेबल नहीं है इसलिए। बाकी ये है इसके इंडोर कूलिंग। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।